ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें, हमेशा आनंद में रखें। अगर जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप वर्तमान में गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस उसका शुल्क लागू है। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, जब से पैदा हुए हैं, जब से जीवन में होश संभाला है तब से उनके हिस्से में दुख ही आया है। दूसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा चिंताओं से ग्रसित होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है कि ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, और इतनी सारी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। तीसरे वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और उन्हें रात भर नींद नहीं आती, वो सोच में ऐसा डूब जाते हैं कि वो चाह कर भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। तो आज इन तीनों विषयों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, और ये वीडियो में तीनों विषयों पर आपको हल भी पता लगेगा कि ये सच क्यों है और इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले एक मुख्य बात आपको क्लियर कर दूँ, उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय हर हर संभव, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे। स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क उसका फीस लागू है दोस्तों। सीधे मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहली बात हम करें, बहुत जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, देखिए सुख दुख ये सब किस्मत के हक में है, हम सिर्फ और सिर्फ उस दुख के निवारण पर काम करें। लेकिन हम होता ऐसा है कि हम दुख में खुद को दुखी और दुखी महसूस करके खुद का कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेते हैं, आत्मविश्वास लो कर लेते हैं, हमारे मन में जो बहुत सारी चिंताएं हो जाती है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। दुख जो है उसकी जो परिभाषा है कि वो हमें जीवन में कुछ चीज़ें सिखाने के लिए होती है, आप उसे सीख लें और वो चीज़ रिपीट ना करें, वो दोहराए नहीं और आप आगे बढ़ें, ये दुख का मेन उद्देश्य होता है। पर हम ऐसा होता है कि जो दुख आया उस दुख को लेकर बैठ गए और बस बैठ रहे। इसलिए सबसे पहले आप आशावादी रहें, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशावादी होने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने इष्ट पर, अपने गुरु मंत्र पर पूर्ण यकीन रखें। और दूसरी और मुख्य बात है कि आप खुद चीज़ों को पढ़ें, अध्ययन करें, चीज़ों को आप खुद समझें, लोगों की राय ज़रूर लें लेकिन आप खुद समझें, क्योंकि जो व्यक्ति पर बीतती है ना चीज़ें वही उस चीज़ को अनुभव कर सकता है, बाहर से लोग चाहे कितनी भी राय देते आपको। दूसरी होते हैं जो लोग हमेशा चिंताएँ करते हैं, देखिए चिंता जो है चिता के समान है, इसलिए कोई चिंता कभी ना करें। सिर्फ हाँ अवेयर होना ज़रूरी है आपको चीज़ों के लिए, गंभीर होना ज़रूरी है, लेकिन गंभीरता और चिंता में बहुत ज़्यादा चिंता है। अब चिंता ऐसा होता है कि वो हमें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, हम हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा होगा, वो होगा, ये कर ले, वो कर ले। जो भी चीज़ें अपने भोलेनाथ पर छोड़ दें कि हे ईश्वर ये आपके भरोसे हैं, आप जैसा रास्ता दिखाएंगे वो हो जाएगा। जब आप ईश्वर पर छोड़ देंगे तो आप अपने मेन काम को बहुत अच्छे से करेंगे, आपकी जितनी सारी जो चिंताएँ हैं वो स्वतः ही आप उनका निवारण समय पर हो जाएगा। तीसरा है जो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचना हानिकारक है, इसलिए जब भी मन में कुछ भी ख्याल आए गुरु मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय।